के साथ और मैदान महशर हम और आप होंगे, तमाम अहले महशर होंगे अल्लाह अकबर। लेकिन हम ये नजरिया रखते हैं, हम नमाज पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, हम सजदे करेंगे, हम रोजा रखेंगे, लेकिन ये नजरिया रखेंगे कि हमें दुनिया में जो कुछ मिला था या मिल रहा है मदीने वाले के सदके में मिल रहा है। और मैदान महशर में अगर जन्नत का परवाना मिलेगा तो तेरे मेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, हसनैन के नाना के करम पर मिलेगा। लाजवाब लाजवाब, वाह जिंदाबाद, हसनैन के नाना के करम पर मिलेगा। वाह मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे संजीदा गुफ्तगू करूंगा। हो सकता है कि मेरे अंदाज में आपको शिद्दत नजर आए, लेकिन अगर बात सच्ची हो तो कबूल करके जाए और दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाए, और अगर बात सच्ची ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। आप अगर आपको ये लगता है कि हम अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता लोग अगर बात गलत करते हैं, दावा गलत करते हैं, तो तुम्हें मैदान में साबित करना होगा, दलील देनी होगी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा रब ये जानता है कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है। रब को सब मालूम है, रब को सबका पता है। अल्लाह हू अकबर, मैदान महशर में अल्लाह अकबर डायरेक्ट हुक्म मिल जाता कि जन्नतियों को जन्नत में डाल दिया जाए, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाए। लेकिन सुनो, बरेली से ऐलान होता है, फकत इतना सबब है इन्हें कहते बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शफाअत मुस्तफा। आज पैमाना लेकर नापते रहो, आज हिसाब लगाते रहो, आज उस नबी पर तनकीद करते रहो जिस नबी का कलमा पढ़ते हो। मैदाने महशर होगा, हम भी होंगे, तुम भी होंगे, तमाम लोग होंगे, वो भी होंगे जो नहीं मानते थे, वो भी होंगे जो पैमाना लेकर नापते थे। अल्लाह अकबर, महशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, सब एक दूसरे के पास भेजेंगे, कहीं और चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन उस दौर में, उस खतरनाक वक्त में हम गुनाहगारों को, हम गुनाहगार उम्मतियों को अपने सीने से लगाने वाले का नाम मोहम्मद अरबी है। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद हक 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 है। अल्लाह अकबर, जब कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा, पुरसाने हाल नहीं होगा, तो मुस्तफा करीम फरमाएंगे अल्लाह अकबर अनाला, इसी के लिए ही शफात करने के लिए ही। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, जिसके पास भी जाएंगे अहले महशर, इज़हबू इला गैरिहा, इज़हबू इला गैरिहा। अल्लाह अकबर, किसी और के पास जाओ, किसी गैर के पास जाओ, लेकिन अनाला की सदा कहां से आएगी? बोलो मेरे मुस्तफा। अल्लाह अकबर, जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को देखेंगे अल्लाह अकबर, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की अता से, रब के फजल से जिसको चाहेंगे जन्नत का परवाना देंगे। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहरहाल ये तमीज थी, लंबी होती जा रही है, दरूद शरीफ पढ़ ले। जिसके सदके में हमें सब कुछ मिला, उस प्यारे नबी पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना व शफीना नबीना तबीबना मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, सलातु वसलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह, मैं ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत महसूस नहीं करता। मुझे जो बताया गया, कुछ लोगों ने ये फतवा दिया कि जो नबी को नूर माने वो काफिर है। अच्छा, हाँ,
इसी इलाके में कुछ लोगों ने यह कहा महफिल सजाकर कि जो नबी को नूर कहे वो काफिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले मैं वजाहत कर दूं, हमारा नजरिया यह है कि हम ऐसा नहीं है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं मानते। हम बशर भी मानते हैं लेकिन नूर भी मानते हैं। बशर अपने जैसा नहीं मानते, अफजलुल बशर मानते हैं, खैरुल बशर मानते हैं। अल्लाह अकबर। अब फतवा देने वालों से बस मैं इतना कहूंगा, सारी बातें छोड़िए, बात बरेली की भी नहीं करूंगा, बात अजमेर की भी नहीं करूंगा, बात बगदाद की भी नहीं करूंगा, बात मैं मदीने की करूंगा। हाय वाह, क्या कहने, ना किसी वली की बात करूंगा, ना किसी इमाम की बात करूंगा, मैं बात उनकी करूंगा कि जिनको दीन किसी और में नहीं महबूबे परवरदिगार ने सिखाया। मैं दो तफसीरों का हवाला दूंगा, तफसीरे जलालैन उठाई, और ये तफसीरे जलालैन सिर्फ सुन्नी बरेलवियों के मदारिस में निसाब में शामिल नहीं है, कोई किसी भी फिरके का हो सबके यहाँ ये निसाब में शामिल है। जी। एक तो आप तफसीर जलालैन उठाइए, इसके अंदर इस आयत की तफसीर में ये लिखा गया है कि इस कुरान की आयत का मतलब यही है, इसमें जो नूर है उससे मुराद मुस्तफा करीम की जात है। तद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। इस आयत में जो नूर कहा गया है वो किसे कहा गया है? मुस्तफा करीम को कहा गया है। अगर तुम नूर नहीं मानते तो तफसीर जलालैन को निकाल दो अपने मदरसों से, क्या बात है, निकाल दो अपने निसाब से, और सुनो, बात ना 100 साल की होगी, ना 200 साल की होगी, ना 300 साल की होगी, नबी को नूर मानने पर कुफ्र का फतवा लगाने वालों, फतवा लगाओ, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तफसीर इब्ने अब्बास उठा कर देखो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी रसूल है, सैयदुल मुफस्सिरीन है, आप फरमाते हैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। इस आयत में नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, अजमते मुस्तफा, शाने रिसालत, अल्लामा मुफ्ती सरताज साहब किबला। लगाओ फतवा हजरत इब्ने अब्बास पर, सैयदुल मुफस्सिरीन पर, सहाबी रसूल पर। अरे ये वो सहाबी रसूल कि अगर इनके मुकाबले में सारी उम्मत मुस्लिमा की नमाजें रखी जाए, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का अगर एक सजदा रख दिया जाए तो सारी उम्मत की नमाजें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मुस्तफा करीम ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपनी नजरों से जाम पिलाया। जाम पिलाया था, वाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात को समझो, हम बशरियत के मुनकिर नहीं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर भी मानते हैं, लेकिन खैरुल बशर, अफजलुल बशर और नूर भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? कुरान की आयात मौजूद है, कुरान की आयात मौजूद हैं, और हदीस पाक पर सब इत्तिफाक करते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। और याद रहे, अब लोग ये लाते हैं आयत मुकाबले में, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐसा है कि नहीं? दलील बस यही है इनके पास कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, कुरान की आयत है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, ए महबूब तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, समझे? तो इससे साबित हो गया, एक तो नबी बशर है और दूसरी हमारी तरह है। अच्छा ठीक है भाई, मैंने मान लिया, हम ये बात मान लेते कि अल्लाह ने हुक्म दिया, ए महबूब तुम कहो, अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम कहो इनसे कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अल्लाह अकबर। अब ये लोग कहते हैं देखो भाई, बशर होने की भी दलील मिल गई और हमारी तरह होने की भी दलील मिल गई।
अल्लाह अकबर। इस चीज को समझो, इसी आयत के अलावा इनके पास कोई दलील नहीं, सही बात, कुछ नहीं। अच्छा सच्ची सच्ची बात बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, जब ये आयत नाजिल हुई थी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को मुखातब करके कहा था कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, वो कौन थे? बोलो, अरे बोलो ऊंचा। नबी ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो एक तो नबी ने खुद कहा कि मैं बशर हूं, क्या बात है, तो तुम नबी तो हो नहीं सकते। जिनसे कहा उन्होंने नबी को अपनी तरह माना, अब तारीख उठाकर देखो तो पता लगा आका करीम ने अपने गुलामों से नहीं बल्कि काफिरों से फरमाया। क्या बात है, वाह, काफिरों से फरमाया था, वाह। अब जो खुद को अबू लहब अबू जहल की लिस्ट में शामिल करना चाहता हो वो अपनी तरह कहे। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। नबी तो बन नहीं सकते, दरवाजा बंद हो चुका। दूसरा रास्ता है अबू लहब अबू जहल की लिस्ट में शामिल कर लो खुद को। अल्लाह अकबर, मैं यकीन के साथ दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, दिल की तख्ती पर लिख लो, मेरे नबी ने सहाबा से ये नहीं कहा, सहाबा की मजलिसों में कभी ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अल्लाह अकबर, बल्कि जब मामला सहाबा का आया, जब ईमान वालों का आया, अल्लाह अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोमे विसाल रखते थे, बिना सहरी के बिना अफ्तारी के लगातार रोजे रखते थे, रोजे रखते जाते थे, महीनों महीनों गुजर जाते थे। सहाबाए किराम ने इस अदा को देखा, अल्लाह अकबर, मुस्तफा करीम के इस अंदाज को देखा कि मुस्तफा करीम ना सहरी करते हैं ना अफ्तारी करते हैं, लगातार रोजे रखते हैं। अल्लाह अकबर, आका करीम की इस अदा को देखने के बाद में कुछ सहाबा ने बिना सहरी के रोजा रखना शुरू कर दिया, बिना अफ्तारी के रोजे रखते रहे, कई दिन गुजर गए। अल्लाह अकबर, मुस्तफा करीम ने देखा, नबी ने देखा कि बहुत सारे सहाबा कमजोर पड़ने लगे हैं, बीमार पड़ने लगे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, जरा बताओ तो सही, ए फला फला, जरा बताओ तो सही, ये बीमारी की वजह क्या है, कमजोरी की वजह क्या है, आखिर किस चीज ने तुमको कमजोर कर दिया है? अल्लाह अकबर। तो सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने आपकी अदा को अपनाया है। कौन सी अदा या रसूल अल्लाह? आप बिना सहरी के रोजा रखते हैं, आप अफ्तारी भी नहीं करते हैं, आप लगातार सोमे विसाल रखते हैं, बिना सहरी बिना अफ्तारी के, हमें भी ये अदा पसंद आई। या रसूल अल्लाह, हमने आपकी इस अदा को अपना लिया, तो मेरे नबी फरमाते हैं, अरे तुमने मेरी तरह रोजे रखे, जरा बताओ तो सही, क्या तुम में से कोई मेरी तरह है? हाय, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या तुम में से कोई मेरी तरह है? समझ रहे हो क्या नहीं? उधर अगियार से कहा और उस कहने में भी आजिज़ी इंकिसारी, तवाज़ो। उसके अलावा एक बहुत बड़े खदशे का, बहुत बड़े खतरे का रद, उस तरफ भी आऊंगा। तू कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लेकिन जब मामला ईमान वालों का आया तो आका करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मेरी तरह रोजा रख रहे हो, बिना सहरी के, बिना अफ्तारी के, मैं सहरी नहीं करता, मैं अफ्तारी नहीं करता, तो मुझे देख के तुम भी वही काम करने लगे, जरा बताओ तो सही, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कोई मेरी तरह है? तुम में कोई मेरी तरह है? तुम में कोई मुझसे मुमासलत रखता है? तुम में मुझसे कोई मुशाबिहत रखता है? यानी क्या मतलब, जो ईमान वाले हैं, जो नबी को मानने वाले हैं, जो मुस्तफा के शहजादी हैं, जो मुस्तफा के गुलाम हैं, अल्लाह अकबर, उनका नजरिया यही है कि आका तुम हमारी तरह नहीं हो, तुम्हारी औलाद भी हमारी तरह नहीं। अरे हमारा तो नजरिया ये है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब नारा नूर का, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। ईमानदारी के साथ बताओ, अपनी तरह कहने वालों, कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो भैया?
बोलो ऊंचा बोलो, सब लोग कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं? पांच वक्त की नमाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह कहने वालों, अरे तुम्हारी नमाज भी नबी की नमाज की तरह रहे। तू पांच वक्त की पढ़ता है, मदीने वाले आका ने छह वक्त की पढ़ी। क्या कहने जिंदा, तुझ पे पांच वक्त की फर्ज हुई, मदीने वाले आका पर इजाफी नमाज तहज्जुद भी फर्ज, तेरी नमाज उनकी नमाज की तरह, तू नबी की तरह, तू नबी की तरह। मेरी नमाज नबी की तरह नहीं, मेरी नमाज नबी की तरह नहीं, मैं नबी की तरह। अल्लाह अकबर, जरा बताओ तू कलमा पढ़ता है? ऊंचा बोलो, तू कलमा पढ़ता है? क्या पढ़ता है? ऊंचा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी को नूर मानने से, सिर्फ बशर मानने वालों, नूर मानने से इनकार करने वालों, अपनी तरह कहने वालों, जरा गौर तो करो, तेरा कलमा भी तेरे नबी के कलमे की तरह नहीं है। तू पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा नबी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। किस मुंह से कहते हो यार? तेरे पसीने को तेरा भाई बर्दाश्त करने तैयार नहीं। अरे बोलो यार, समझो समझो। तेरे पसीने को तेरी बीवी बर्दाश्त करने तैयार नहीं। तेरे पसीने को तेरी बीवी बर्दाश्त करने तैयार नहीं। तू नबी की तरह होने की बात करता है? अरे मेरे नबी के पसीने का तो ये आलम है कि आका करीम के गुलाम इस जुस्तजू में रहते थे कि किसी तरह प्यारे आका का पसीना मयसर हो जाए। तेरे पसीने से बदबू आती है, बदबू, और मदीने वाले आका के पसीने से बदबू नहीं, खुशबू आती। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे थूक को कोई देखने तैयार? तेरे थूक पे कोई थूकने तैयार? ऊंचा बोलो, तेरे थूक पे कोई थूकने तैयार नहीं। और मेरे नबी के लुआब को सहाबा ने अपने हाथों में लेकर अपने चेहरों पर मला। सुभान अल्लाह, बात करते हो जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मौलवी महला, अल्लामा मुफ्ती सरताज साहब किबला। जरा बता तो सही, तू बगैर सवारी के, बिना कार के, बिना मोटरसाइकिल के मौलवी महल्ला से कटक नहीं जा सकता, मौलवी महल्ला से भुवनेश्वर नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, मौलवी महल्ला से दूसरे महल्ले में या पड़ोस के किसी शहर में नहीं जा सकता। अगर जाएगा, मान लो जो तेरा मरकज है या तेरे अकीदे की बुनियाद रखने वाले लोग जहां पर है, अगर तूने बिना सवारी के जाने की कोशिश कर ली तो हो सकता है कई महीने तुझे गुजर जाए, कई महीने तुझे लग जाए, और हो सकता है रास्ते ही में तुझे खुराक बना लिया जाए, कोई मौसी जानवर खा जाए। अल्लाह अकबर, तू बिना किसी चीज के एक शहर से दूसरी शहर में, दूसरी जगह जाने का अल्लाह अकबर हुनर नहीं रखता, ना ताकत रखता है, ना पावर रखता है। जरा देख तो सही, मेरा नबी, प्यारा नबी मुस्तफा करीम, अल्लाह अकबर, दुनिया भी किसी चीज के बगैर अल्लाह के फजल से जमीन से गया, आसमानों पर घूमा, जन्नत और दोजख का, जन्नत और दोजख की सैर की, अल्लाह से मुलाकात। वाह सुभान अल्लाह, मैं राजे मुस्तफा, मैं राजे मुस्तफा। अल्लाह ने तुम्हें काबे में भी आने का दावत, जो इनविटेशन है, वो डायरेक्ट तो नहीं दिया ना? काबे में आने की जो दावत दी है, जो पैगाम मिला है, वो भी डायरेक्ट तो नहीं कि फला महल्ले के फला साहब है रहने वाले, किसी फरिश्ते को भेजा हो कि साहब उनसे कहो हमारे काबे में आ जाए।
और हज कर ले, दुआ कर ले, हमारी बारगाह में आ जाए, सजदा कर ले काबे के सहन में आकर। अल्लाह जरा गौर तो कर, वो प्यारा नबी सरदारे अंबिया फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा का बाबा हसनैन का नाना के जिनके पीछे हजरत ईसा से लेके मूसा, हजरत इब्राहिम से लेके हजरत आदम तक नमाज पढ़ने पर फख्र महसूस किया। वो नबी जब अल्लाह ने उस प्यारे नबी को बुलाया तो कितना एहतमाम किया। अल्लाह अकबर, सवारी को भेजा, बुराक को भेजा, फरिश्तों को भेजा, सैयदुल मलाइका को भेजा। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो जरा ईमानदारी के साथ बताओ। अल्लाह अकबर, ईमानदारी के साथ फैसला कर लो, अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला हटा दिया जाए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात को साइड कर दिया जाए, तो क्या तुम ये यकीन रखते हो, क्या तुम ये ईमान रखते हो कि तुम अपने अच्छे आमाल की बुनियाद पर, क्या तुम अपनी अच्छी नमाजों की बुनियाद पर, क्या तुम रोजों की बुनियाद पर, क्या तुम तबलीगे दीन की बुनियाद पर जन्नत हासिल कर लोगे? अल्लाह पर यकीनन नमाज सुपीरियर है, नमाज जरूरी है, हज भी जरूरी है, ज़कात भी जरूरी है, लेकिन आज़रा में आईना दिखा दूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, सैयदुल मुफस्सिरीन है, सहाबी रसूल है, कितनी नमाजें थी उनके पास, कितने रोजे थे उनके पास। आज मुस्तफा करीम से नफरत करने वालों, मुस्तफा करीम पर तनकीद करने वालों, उनको पैमाना लेकर नापने वालों, मुस्तफा की औलाद से नफरत करने वालों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तौहीन करने वालों, जरा सोचो तो सही, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी रसूल हैं, सैयदुल मुफस्सिरीन हैं। जब आपके वक्त विसाल करीब आया, जब आपका वक्त आखिर करीब आया, अल्लाह अकबर, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अपने हाथों को उठा दिया, अर्ज किया, परवरदिगार मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, परवरदिगार मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त करीब, वक्त आखिर करीब है, मेरा वक्त विसाल करीब है, परवरदिगार मैं जानता हूँ कि मेरे जिस्म से रूह जुदा होने वाली है, परवरदिगार मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं आ रहा, तेरे नबी की औलाद की मोहब्बत को दिल में ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अकायद नजरिया, अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल होकर, सैयदुल मुफस्सिरीन होकर, उनका एक सजदा हमारे तमाम सजदों पर भारी, लेकिन वक्ते विसाल यकीनन नमाजें थी, रोजे थे, हज थे, और ये सारी चीजें जरूरी है। अगर कोई इनसे भागे तो समझ लो वो भी पक्का मोमिन नहीं, कंप्लीट मुसलमान नहीं, लेकिन बात जब नाज करने की आए, बात जब फखर करने की आए, तो बस इतना समझ लो कि अपने पास जो भी कुछ है, कुछ भी है, सजदे हैं, नमाजें हैं, इल्म है, जो भी है, कुरान की तिलावत है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास नाज करने के लिए अगर कुछ है तो वो आका करीम की मोहब्बत है, वो मुस्तफा करीम की निस्बत है। लोग कहते हैं भाई अल्लाह ने फरमाया, महबूब कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब लोग यही कहते हैं यार कि बशर कह दिया तो अब बशर है, हमारी तरह है। قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الله نور السماوات والارض, और भी बहुत सारी आयतें हैं कुरान के अंदर, लेकिन दूसरी आयतें आपके सामने नहीं रखेंगे, ना अहादीस रखेंगे, सिर्फ अपने मतलब की बात करके गुजर जाएंगे। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, शान नुज़ूल उठाओ, देखो तो जरा पस मंजर तो देखो, मुस्तफा करीम ने कहा क्यों, फरमाया क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। क्या बात है, अरे हम बरेलवी हैं, सुन्नी बरेलवी, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानते हैं, लेकिन अफजलुल बशर, खैरुल बशर, लेकिन नूर भी कुरान से साबित, हम उन्हें नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं, महज बशर मानना और उनकी नूरानियत का इनकार करना, नूरानी सिफत का इनकार करना, ये गुमराही है,
जरा बताओ ईमानदारी के साथ में। अल्लाह अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से परवरदिगार ने कुरान में ये ऐलान क्यों फरमाया, ए महबूब कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अल्लाह अकबर, इसका पस मंजर देखो। अल्लाह अकबर, जब आप डिटेल में जाएंगे, जब आप गहराई से मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। याद रहे मुसलमानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो आप बखूबी जानते हैं कि आपका कोई पाप नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम को, यानी हजरत ईसा की माँ को, मर्द के लमस से भी पाक रखा था, मर्द ने छुआ भी नहीं था। अल्लाह अकबर, कैसी माँ है हजरत मरियम कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बिना शोहर के अल्लाह अकबर बेटा अता कर दिया। अल्लाह अकबर, अब लोगों ने देखा, ईसाइयों ने देखा कि हजरत मरियम ने ना शादी की है अल्लाह अकबर, ना इनका कोई शोहर है, बिना शोहर के इनको बेटा हो गया। तो ईसाइयों ने कहा कि ये अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, और पीछे चले जाओ। अल्लाह अकबर, जब मामला शिर्क का होता है, खतरा शिर्क का होता है, तो उससे बचाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठा कर देखो। नमरूद ने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि सुनो, मैं खुदा हूँ, मुझे खुदा मानो, मेरी इबादत करो, मेरी बारगाह में सजदा करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, खुदा तो वो है जो बंदों को मौत देता है और जिंदगी देता है, खुदा तो वो है जो बंदों को मौत भी देता है, जिंदगी भी देता है। नमरूद ने जब इतना सुना, कहा अच्छा, बस इतनी सी बात। अल्लाह अकबर, कुछ कैदियों को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, बताओ जरा तुम्हें क्या हुक्म मिला था। अल्लाह अकबर, तो उन कैदियों ने बताया कि हमें कल रिहा कर दिया जाएगा। नमरूद ने कहा कि इनकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। अल्लाह अकबर, दूसरे कैदियों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, तुम्हें क्या हुक्म मिला था कि हमारी गर्दनें उड़ाने का हुक्म है, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। तो नमरूद ने कहा इन्हें छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर, यानी जो मरने वाले थे उनको छोड़ दिया और जो छोड़े जा रहे थे उनको कत्ल करा दिया। अल्लाह अकबर, उसके बाद नमरूद ने कहा कि सुनो, जिंदगी मैं भी दे सकता हूँ, मौत मैं भी दे सकता हूँ, कि देखो जिनको मौत मिलने वाली थी मैंने उनको जिंदगी दे दी, जिनको जिंदगी मिलने वाली थी मैंने उनको मौत दे दी। हालांकि ये मस्खरापन है, ये भद्दा मजाक है। अल्लाह अकबर, लेकिन उसने हमला किया, उसने ये दलील दी। अल्लाह अकबर, उसके इस मस्खरेपन पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन, अगर तू खुदा है तो सुन, अगर तुझे खुदा होने का दावा है तो सुन, खुदा वो है जो रोजाना मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में डुबा देता है। अगर तू खुदा है तो मशरिक से सूरज निकाल कर मगरिब में डुबा कर। अल्लाह, यानी पूरब से सूरज निकाल कर पश्चिम में डुबा कर दिखा। फबूहितल्लज़ी कफर, कुरान उठाइए। कोई जवाब ना दे सका, लाजवाब हो गया भाई। अपनी रियाया, अपनी जनता पे तो हुक्म चला सकता है, सूरज या चांद पे उसका कोई इशारा थोड़ी चल सकता है। ये तो आमिना के लाल का कमाल है, आमिना का लाल इशारा कर दे तो चांद भी खेलता हुआ नजर, आमिना का लाल इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। ये अता तो मुस्तफा करीम को है, ये खुसूसियत तो मुस्तफा करीम की। तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने जो दलील दी कि जो खुदा वो है जो पूरब से सूरज निकालता है पश्चिम में।